Good morning class, this is your English period and we will read English grammar today. Everyone take out your book, language structure and take out lesson number 9, articles. Class, इससे previous class में हमने अपना topic pronoun complete किया, sorry adjective complete किया था और I hope सभी को ये chapter समझ में आया है. Adjective मैंने बताया था कि adjective होते हैं विशेषण, किसी चीज़ की special बात, विशेषता, या noun को वो कैसे describe करती है कि noun कैसा है. Noun मतलब किसी भी चीज़ का नाम, हर चीज़ का, इस पूरे world में हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है और हर तरह के नाम को noun कहते हैं. तो वो चीज़ कैसी है, टॉल है, बिग है, स्मॉल है, ग्रीन है, फोर है, फाइव है, ये सब एडजेक्टिव होते हैं. और मैंने ये सारी बैक एक्सरसाइज आपको आपकी बुक्स में कंप्लीट करने के लिए दी थी. होपफुली सभी ने कंप्लीट कर ली है. लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, आर्टिकल्स. आर्टिकल्स क्या होते हैं, पहले हम इन पिक्चर्स को रीड करेंगे एंड राइट डाउन टुडेज डेट हियर, दैट इज 22/9/20. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द फॉलोइंग, यानी आपको पिक्चर्स को देखना है और ये रीड करना है. क्लास ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिवाइज कराना चाहती हूँ जो आपने प्रीवियस क्लास में किया है. एंड द टॉपिक इज वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट. जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ स्मॉल ए बी सी डी लिखी है, तो आप सभी बच्चे जानते ही होंगे वॉवल्स कौन कौन से होते हैं. वी हैव फाइव वॉवल्स इन आवर अल्फाबेट्स. दे आर A, E, I, O, U. तो क्लास मैंने जिन्हें सर्कल किया है वो सभी क्या हैं, वॉवल्स. क्या हैं वो, वॉवल्स. कौन कौन से होते हैं वॉवल्स, A, E, I, O, U. और जिन्हें मैंने सर्कल नहीं किया है जैसे कि B, C, D, F, G, H, J, K, A, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ये सभी क्या हैं, कॉन्सोनेंट. क्या हैं ये सभी बच्चों, कॉन्सोनेंट्स. जैसे कि हम हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं तो उसी तरह से इंग्लिश में वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट होते हैं. वॉवल स्वर होते हैं, कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं. ओके, तो चलो अब हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं. वी यूज़ A before a singular noun beginning with a consonant. यानी अगर कोई भी word consonant से start हो रहा है, मतलब A, E, I, O, U को छोड़ के B, C, D, F, G इनसे start हो रहा है और वो singular है यानी एक है, तो उसके आगे हम A लगाते हैं. जैसे कि a boy, ठीक है, एक ही लड़का है ना, a boy, एक लड़का. We use N, हम N लगाते हैं before a singular noun, एक singular, singular यानी एक, एक वचन जो हमारी नाउन होती है, बिगनिंग विद अ वॉवल. और वॉवल्स ये सभी होते हैं ए ई आई ओ यू. यानी अगर कोई भी सिंगुलर वर्ड, कोई भी एक वर्ड अगर ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है तो हम उसके आगे क्या लगाते हैं क्लास, एन. एग्जाम्पल जैसे कि होता है एन एग, एन अम्ब्रेला, ठीक है, एन एग एक अंडा, एन अम्ब्रेला एक छाता. वी यूज द, और हम द कहाँ लगाते हैं, When we refer to the particular person or thing, जब हम किसी particular, किसी proper एक इंसान का, किसी thing का या किसी जगह का नाम ले रहे हैं तब हम उसके आगे the लगाते हैं. कि जैसे कि the ताज महल, क्या है example, the ताज महल. तो यहाँ ताज महल का नाम लिया जा रहा है, particularly ताज महल की बात हो रही है, इसलिए हमने उसके आगे a नहीं लगाया, n नहीं लगाया, क्या लगाया है, the, T-H-E, the. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. अब आपके लिए बिल्कुल ईजी है, आपको ए और एन में से यूज़ करना है कुछ भी. अब आप देख रहे हो नंबर वन में लिखा है ऑक्स, तो ओ जो है वो एक वॉवल है तो हम क्या लिखेंगे, एन ऑक्स. नंबर टू, यू जो है वो वॉवल है अंकल, तो हम लिखेंगे एन अंकल. ओके, जी, जी कॉन्सोनेंट है तो अ गर्ल. उसी तरह से एन एग्जाम, क्योंकि ई वॉवल है, एन ऑरेंज, ओ वॉवल है. अ फैक्ट्री, एफ कॉन्सोनेंट है. एन आइसक्रीम, आई वॉवल है. अ बफेलो, बी कॉन्सोनेंट है. अ हाउस, एच पी कॉन्सोनेंट है. एन अम्ब्रेला, यू एक वॉवल है. एन आयरन बॉक्स, आई भी एक वॉवल है इसलिए हमने एन लगाया है. अ बनाना, बी कॉन्सोनेंट है तो अ बनाना. अ वुमेन, क्योंकि डब्ल्यू एक कॉन्सोनेंट है, एन आई, ई भी एक वॉवल है. एन एल्बो, ई भी एक वॉवल है. एन इंक पेन, और आई भी क्या है, एक वॉवल है. ठीक है, और इन सब की मीनिंग आप जानते ही हैं कि ये सब सिंगुलर चीज़ें हैं, एक ही चीज़ें हैं. यानी अ हाउस, एक घर. अ गर्ल, एक लड़की. एन आई, एक आँख. एन एल्बो, एक कोहनी. नाउ बी पार्ट,
फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन, बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। अगर कोई वॉवल वर्ड है उसके आगे आप ए एन लगाएंगे बच्चों, और अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो आप उसके आगे ए लगाएंगे। जैसे कि संचित प्लेज विथ अ बॉल, माय फ्रेंड ओन्स अ पियानो, अ काउ केम इनटू आवर किचन गार्डन, विद्या इज कैरिंग अ बास्केट, मिस्टर बिस्ट इज फ्लाइंग एन एरोप्लेन, द एस्किमोज लिव इन एन इग्लू। तो आप देख रहे हो हम ये वाले वर्ड्स देख रहे हैं और इसके हिसाब से इनके आगे हम ए और एन का यूज कर रहे हैं। तो देखो जहाँ जहाँ वॉवल्स हैं वहाँ मैंने एन लगाया है और जो कॉन्सोनेंट है उनके आगे ए लगाया है। एन ऑस्ट्रिच एन एंट। तो ठीक है बच्चों, ये वाले वर्ड्स देखने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको ए एंड एन का यूज करना है। नाउ टर्न द पेज। एन एंट ऑफ माइन इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, एंट में ए है तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे। जेब्रा इज अ वाइल्ड एनिमल, डब्ल्यू एक कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ ए लगाएंगे। टिक एंड राइट द करेक्ट आर्टिकल्स इन द बिलो इन द गिवन सेंटेंसेस। तो आपको जो नीचे ये सेंटेंसेस दिए हैं आपको टिक करना है और लिखना है करेक्ट आर्टिकल। ये ए एन और द क्या होते हैं बच्चों, आर्टिकल। ठीक है, ही राइड्स अ ब्लू बाइक, यानी वो ब्लू बाइक चलाता है तो अ, क्योंकि बी जो है वो कॉन्सोनेंट है। मारिया सीज एन एरोप्लेन, ए कौन ए वॉबल है इसलिए ए और एन में से एन लगाएंगे। द डॉग हैज़ अ बोन, तो यहाँ पर बी कॉन्सोनेंट है इसलिए ए। बेन थ्रोज अ बॉल, बेन एक बॉल फेंकता है, बी जो है वो कॉन्सोनेंट है इसलिए ए। शी यूजेस एन अम्ब्रेला, और वो एक अम्ब्रेला यूज करती है, यू वॉबल है बच्चों इसलिए हमने इसके आगे एन लगाया है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है ए या एन से। एन एलिफेंट E dances on stage with an umbrella, यानी कि जो elephant है वो dance करता है stage पर एक umbrella के साथ में। दोनों vowel हैं, दोनों के आगे N। We saw a bear, an owl and a monkey at the zoo. They built an igloo to provide a form of shelter. She is an outstanding student and a fast learner. I would like to eat a boiled egg एंड एन एप्पल फॉर द ब्रेकफास्ट। तो क्लास हमने किस तरह से पूरा किया है आप सभी जानते हैं। जो वॉवल साउंड है उनके आगे हमने ए एन एन यूज़ करा है, और जो कॉन्सोनेंट है यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने अल्फ़ाबेट हैं उन सब के आगे हमने ए यूज़ करा है। आज हम अपना चैप्टर इतना ही करेंगे क्लास, और आप भी बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है इसको समझ के ईजीली अपने बुक्स में ही आपको कंप्लीट करना है, नोटबुक में नहीं करना है आज वाला ये काम, सिर्फ बुक्स में करेंगे और समझ के अपने आप से करेंगे। So that's all for today. Thank you so much.